जवाली में दरकता पहाड़ बरपा रहा कहर, नियांगल में दो और मकान जमींदोज, लगातार बढ़ रहा खौफ। विधानसभा क्षेत्र जवाली की पंचायत नियांगल के वार्ड नंबर 5 में दरकता पहाड़ लगातार कहर बरपा रहा है। 14 मकानों को अपनी आगोश में लेने के बाद भी अन्य मकानों को अपनी आगोश में लेने की तरफ बढ़ रहा है। नियांगल पंचायत के वार्ड नंबर 5 में रविवार को दरकते पहाड़ ने 6 मकानों को जमींदोज कर दिया। सोमवार सुबह भी 6 मकान पहाड़ के दरकने से जमींदोज हो गए, जबकि मंगलवार सुबह भी 2 मकान जमींदोज हुए हैं। अभी तक 14 मकान जमींदोज हो चुके हैं और 11 मकान अभी भी खतरे में हैं। लोगों के मकानों सहित जमीनें भी पहाड़ का मलबा गिरने से खराब हो गई हैं। हालांकि प्रशासन ने मौके पर जाकर मकानों को खाली करवा दिया है और लोगों को राजकीय मिडिल स्कूल भोंका में ठहराया गया है तथा बाबा अमरनाथ सेवा दल श्री मुक्तसर साहिब ने लंगर सेवा चलाई है। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सत्यम कॉलेज ऑफ नर्सिंग बसनूर। तो मैं अपने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हिमाचल में जितनी भी त्रासदी हुई है, जितने भी घर जमीन दोज हुए हैं, उन्होंने जल्द से जल्द जो है फौरी राहत 10,000 रुपये के रूप में और साथ में ही जो उन्होंने पहले मुआवजा 60,000 रुपये दिया जाता है उसको बढ़ाकर 1,30,000 कर दिया गया है और वो मौके पर ही तुरंत SDM प्रशासन के माध्यम से दे दिया जा रहा है। पहले क्या होता था सर, पहले हमारे 10 साल पहले घर जो जमीन दोज हो गए थे उनको क्या हुआ, 6 घर जो जमीन दोज हुए थे उनको सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से 5,000 जो फौरी राहत दी गई और उसके बाद पूछा तक नहीं गया, ना ही उनको ज़मीन मिली और ना ही उनको उसके बाद कुछ अपना कोई सहायता मिली। तो इसके लिए मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मौके पर ही ये अभियान चलाया है कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको मौके पर ही अपना सहायता जो है दी जाए। और साथ में मैं मुख्यमंत्री जी से यह भी मांग रखता हूं कि सर जो जिन लोगों के ज़मीन साथ में घर चले गए हैं तो उनको ज़मीन भी सर जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाए और जिनके घर चले गए हैं उनको भी वेलफेयर ऑफिस से अपना वीडियो ब्लॉक से जो ग्रांट हुआ है वो तुरंत बिना किसी देरी से दी जाए। और मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी प्रशंसा भी करता हूँ हिमाचल सरकार का, और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, DC मुकेश अग्निहोत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ साथ मैं अपने साथ लगती पंचायत कोटला त्रिलोकपुर सोलदा और अपनी पंचायत की जनता, प्रशासन, SDM, तहसीलदार साहब, सभी विभाग के SDO और बाकी जो इनके कर्मचारी हैं, इन्होंने जितना सहयोग दिया उसके लिए मैं और अपनी पंचायत की जनता से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी का हम हमेशा आभारी रहे। ठीक है, वो देखो सामने मलबा जो है गिरता हुआ, मकानों का पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं ये। और अब जो है जिस मकान पे मैं खड़ा हूँ हार्डली ये यहाँ से कोई 30 मीटर की दूरी पर है, बीच में ये 2-3 खेत हैं और नीचे फिर मैं इस मकान पर खड़ा हूँ। अब इस मकान को खतरा है, इसके दरवाजे वगैरह सामान निकालिए, दरवाजे को उखाड़ रहे हैं और साथ में यहाँ पर मकान और भी हैं साथ में नीचे, वो देखिए इसका सामान फिर से मिट्टी गिर रही है, वो देखो ये चली है, ये इस साइड से आवाज़ भी आ रही है स्लेटों के टूटने की। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जवाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट। सत्यम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी फार्मेसी आर लोकेटेड एट विलेज बसनूर नियर रेड, तहसील शाहपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। एडमिशन्स ओपन फॉर BSc नर्सिंग, ड्यूरेशन 4 इयर्स, एलिजिबिलिटी +2 मेडिकल विद 45% मार्क्स, BSc पोस्ट बेसिक, BSc ड्यूरेशन 2 इयर्स आफ्टर GNM, GNM duration 3 years, eligibility +2 with any stream. Veterinary pharmacist duration 2 years, eligibility +2 with 55% marks in medical stream. Limited seats left, first come, first get. For any query, please contact us on 98162-87750 or 94597-17205.